गुड मॉर्निंग। ये देखें सुबह सुबह क्या वाला आ रहा। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चेक करते हैं व्यू जरा आज का मौसम। आज मुझे लगता है मौसम बेहतर होने वाला है। क्या खूबसूरत व्यू है इधर से माशाल्लाह। ये तो हमने देखा ही नहीं था, मतलब रात को हम कैसे देख सकते थे। वैसे ये चेक करें सामने पहाड़, उनके ऊपर बर्फ और ये खूबसूरत आसमान। हाय स्वाद आ गया बादशाह। यार ये व्यू यहाँ से तो बहुत अच्छा है, और दूसरी खिड़की से जो वो बस आपको ज्यादा शॉपिंग ही नजर आती है, बिल्डिंग्स ही नजर आती है ज्यादा। पर जो व्यू मुझे इस खिड़की से नजर आया दिल खुश हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको एक न्यू व्लॉग में, एक नई सुबह। और भी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, फ्रेश हम होंगे। तेरे नी करारा मैनू पटिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। तो अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, चले हमारे साथ। चले जी। तो समीन तो खुद तैयार हो गई है, और मैं और आयरा ये बेचारे जो सुबह सुबह ऐसे घूम रहे हैं। मेरे पास से सुनो, आपको पता ना मेरा वो दूसरा जो शर्ट थी उधर की है सोने वाली। हाँ। तो होटल में रहने का ना जो असल मजा है एक्चुअली नाश्ता है ना, ब्रेकफास्ट का अपना एक स्वाद होता है। तो जहाँ भी आप जाए होटल का नाश्ता जरूर साथ ऑर्डर करें, और सिर्फ इस सूरत में ना करें अगर आपको बाहर से हलवा पूरी वगैरह मिल सकती है ना, तो फिर बेशक ना ऑर्डर लेकिन अगर हलवा पूरी नहीं मिलती तो फिर होटल का नाश्ता करें, बड़े मजे का होता है। स्पेशली नारायण में तो बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। तो यहाँ है जी नाश्ते का इंतजाम। इधर वैसे लोग काफी कम है, तो मैं जरा आपको नाश्ता दिखा सकता हूँ थोड़ा जल्दी से। तो ये एलर्जिक लोगों के लिए थोड़ा सा कॉर्नर है, जो उन्होंने जरा स्पेशल चीजें उनके लिए रखी हुई हैं, और फिर इससे आगे आप चेक करें। तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपको देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ आसमीन दूध ले रही है आयरा की। सो यहाँ नाश्ते की मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं पूरी। अगर आप लंच चेक करें तो बहुत वैरायटी होती है इधर, बहुत चीजें हैं। चेक करें जी जरा, जो आपका दिल चाहे ले इंजॉय करें फुल ऑन। और यहाँ ही बात खत्म नहीं होती, यहाँ सारे फ्रूट वगैरह सजे हुए हैं, और यहाँ ये सब कुछ सजा हुआ है ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए, और यहाँ इतनी डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स वगैरह। जस्मीन काटने की कोशिश कर रही है। और यहाँ आप वफल्स वगैरह खुद बना सकते हैं। हाँ जी, नाश्ता लग रहा है मज़े का, तो आज हम करेंगे डट के नाश्ता। तो ये पहला राउंड है जी हमारा नाश्ते का, सेकेंड राउंड भी होगा। हाँ, क्योंकि ये तो आप जितना मर्जी लें ना, मेरे ख्याल में नाश्ता ही करते हैं। बार बार नाश्ता ही करते हैं। हमारे गुड्डे को देखे जरा, आप क्या खा रही हो? वाफल। वाफल जो कि खुद बनाया स्मीन है ना। ये मौज है ऐसे, इधर खुद बनाओ खुद खाओ। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो ये काफी है मेरे लिए। और साथ ये व्यू एंजॉय करें आप, तो नाश्ते का मजा तो दुबाला हो ही जाता है ना। ये है मेरा दूसरा राउंड, इसमें योगर्ट लेके ना मैंने इसमें बहुत कुछ डाला, और इसमें मेरा मजाक उड़ा रही है, चावल हो गए। मतलब इसमें चावल वाली कौन सी बात है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लेक्स लेके पता नहीं क्या क्या डाला है, जो भी मुझे नट्स वगैरह नजर आए मैंने डाले। मैंने कहा इसमें ताकत और लेकिन क्या वो ओट्स थे ना दलिया। हाँ वो भी सिर्फ वो आप डालते, योगर्ट डालते, फिर बाकी नट नहीं देखो ना, फिर उसमें वो पावर नहीं आती ना जो अभी आई है। अभी इसमें इतनी पावर है कि आपके भाई ने खाना है और सिक्स पैक बन जाने। तो अभी हम पी रहे हैं कॉफी, और ये अजीब बात नहीं इसमें कि इतने बड़े होटल में कोई अच्छी सी कॉफी मशीन नहीं है इनके पास, है ना। हाँ अजीब बात। तो इनके पास जो कॉफी मशीन है उसमें सिर्फ ब्लैक कॉफी और हॉट वाटर आता है, तो हम अगर ब्लैक कॉफी नहीं पीते तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये समीन ने फिर उनको कहा दूध गर्म करके दें, तो दूध गर्म करके उसमें फिर थोड़ी कॉफी हॉट ब्लैक कॉफी डाल के तो फिर पी रहे हैं हम। तो जी अब आपका भाई नाश्ता करने के बाद आप जरा हम तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। पीछे आयरा ने शोर डाला हुआ है, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखिए कैसे तैयार होते हैं हम। और इसके साथ जी हम है आप बिल्कुल तैयार बाहर जाने के लिए। तो आज का क्या प्लान है, क्या प्लान है जी आज का? आज तो सारा कुछ बंद है, तो आज संडे है, नॉर्मल में संडे को हर चीज बंद होती है। लेकिन मैडम के लिए हमने आज स्पा ट्रीटमेंट का इंतजाम किया है स्पेशल द्रमन से। उन्होंने आज वैसे संडे को वो भी बंद होते हैं स्पा वाले भी, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारे लिए खोल है, तो आपके लिए स्पेशल द्रमन से एक दूसरे शहर से साथ ही, ज्यादा दूर नहीं है, वहां से स्पेशल बंदी आ रही है आपका आपके लिए, ठीक है, स्पा ट्रीटमेंट। वाह। और अभी बाहर का माहौल चेक करें जरा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा आ रहा है, लेकिन हमें तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। आज वैसे सर्दी भी काफी है, आज जो है बाहर इस वक्त टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और शाम तक -11 तक चले जाना है, तो काफी सर्दी होगी, काफी ठंड है। और इधर तो ऑलरेडी काफी ना आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ भी नजर आती है, फिसलन नजर आती है। ये चेक करें बर्फ पड़ी हुई, और बाकी सब छोड़े वो जो लिखा हुआ है ना आई लव यू, वो चेक करें किसी ने कैसे बर्फ पे लिखा है। आपको नजर नहीं आया, आपने ध्यान से देखा नहीं है, किसी ने आई दिल और फिर यू लिखा है एन हमारी खिड़की के नीचे। वाह जी। और हमारे गुड्डे को देखे जरा, इसने बैठना नहीं है स्ट्रॉलर में, इसका दिल नहीं कर रहा है स्ट्रॉलर में बैठने को, और हमारा दिल है स्ट्रॉलर में बिठा के इसको जरा बाहर लेके जाए। हाँ चलो। ये क्या है, ये क्या मैडम आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है?
पैसे मतलब के पर्सनल कंप्यूटर। भाई आप लोगों का मैकबुक होगा, हमारा पीसी होगा, आयरा का फेसे, फेसे मतलब नॉर्विजन में ना पीसी को फेसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो चलें जी दिन की रोशनी में भी हमारा होटल देख लें आप जरा। और आज सर्दी इसलिए भी ज्यादा लग रही है क्योंकि हवा भी है, तो हवा से और ज्यादा फील हो रही है सर्दी। आयरा को देखें जरा। तो अभी हम उनके मेन स्ट्रीट में घूम रहे हैं जहाँ हम एक्चुअली रात को भी घूम रहे थे। तो अभी सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि आज संडे है और इस वक्त यहाँ ना होने के बराबर कोई बंदे नजर आ रहे हैं, हम ही हैं। तो वो जो होता है ना कि गलियाँ हो जान सुनियाँ तो कुछ मिर्ज़ा यार फिर है, आज हमारा वो सीन बना हुआ है। तो हम इसलिए थोड़ा चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आयरा शायद सो जाए ना, क्योंकि इस टाइम उसके सोने का टाइम होता है, तो स्ट्रॉलर में है इस वक्त, तो चलते चलते शायद सो जाए। यार ये बंदा इतनी सख्त सर्दी में भी काम कर रहे हैं, इसलिए जम गया काम करके सर्दी में। यार सख्त सर्दी और हम पानी के पास पहुँचे इस वक्त। आप देखें वो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होगी, वो चर्च की बिल्डिंग है, तारीखी होगी ऑब्वियसली। तो जी सीन्स इस वक्त कुछ ऐसे हैं, ये हमारी कॉफ़ी। तो बेसिकली हम इस वक्त एक दूसरे होटल में हैं जहाँ स्पा ट्रीटमेंट का उनका कोई मतलब इस तरह की चीज़ है, तो अभी सीन उधर चली गई है, मैं इधर काफ़ी पी रहा हूँ, आयरा इस वक्त सो रही है। तो ये वाला होटल इतना ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा लेकिन काफ़ी अच्छी हालत में है, और मेरे ख्याल में 3 स्टार है जो हमारे वाला 4 स्टार है, तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। और सर्विस की बात करें तो मुझे 35 क्रोन्स में उन्होंने ये काफ़ी दी, और साथ ये कहा कि आप जितनी मर्जी काफ़ी दोबारा लेना चाहे ले लें, तो ये बड़ी बात है नॉर्वे में इतनी सस्ती काफ़ी। और तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे भी नींद आ रही थी और तब आयरा उठ गई है, बस गुजर गई है। हाँ तो आयरा क्या दोना। हाँ शो नहीं है। तो आयरा क्या खा रही है? एप्पल। ये तो इसके साथ मैडम पहुंच जाएंगे हैं जी। कैसा रहा आपका स्पा ट्रीटमेंट, मजे का था? मजे का था। नहीं ये तो शिकायत ना करो। नहीं चले, अभी आपको काफी शाफी पिलाते हैं तो ठीक हो जाएगा। अभी शाम हो रही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम अभी शाम के 4 भी नहीं हुए, इसलिए पहले कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। बाकी सब छोड़े, वो पहाड़ के ऊपर आपको चाँद नज़र आ रहा है, क्या खूबसूरत चाँद है माशाल्लाह। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ ये वाला। तो अभी ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि हम क्या लें खाने में, चाय काफ़ी पियेंगे साथ कुछ खाना भी तो है ना, आज मीठा है ना क्योंकि हम ज़रा छुट्टियों पर, तो फिर तो बंदा खुल के खाते हैं। इस लड़की को देखें जो मेरे सामने जरा बैठी है, ये आयरा के ना वो गरम है स्वीट पोटैटोस खा रही है। मैं उसको अपने लिए हमने केक्स लिए हुए हैं, ये तो मैं देख के मुझे लग रहा है हमारे लिए ही काफी था। हाँ ये काफी बड़े बड़े पीस हैं लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। आयरा देखें अपना खाना खुद खा रही है और साथ साथ अपने पीसी पे काम भी कर रही है। आयरा क्या काम कर रही हो, खाना खा रही हो? आयरा हंसती कैसे है, ऐसा नहीं सीख ऐसा करो। आयरा की एनर्जी चेक करें जरा, किससे बातें कर रही हो? अभी जरा हम चलते हैं होटल दोबारा से, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर रात का खाना खाएंगे क्योंकि जो अभी हमने कहा है वो थोड़ा हजम भी तो करना होता है ना। तो अभी आयरा की एनर्जी देख करें, वो एक तो उसने स्ट्रॉलर में नहीं बैठना और फिर बातें करी जा रही है अपनी अपनी जबान में, अपनी किसी लैंग्वेज में। गाना गा रही है, अच्छा वाह। कौन सा गाना? योश गाओ, योश कैसे गाती है?
अशाने अजाना गुड्डे गुड्डे ओ पारे तो बेसिकली इस शहर को अगले साल 400 साल हो जाएंगे शहर को आबाद हुए, यही मकसद होगा इनका। तो 1624 में ये शहर बना था, आबाद हुआ था 2024 में, 400 साल हो जाएंगे। तो ये 400 साल पुराना शहर है, ये मैंने गूगल नहीं किया, ये मैंने बस इधर देखा है अभी अभी। अभी ना चाओ छोड़ के दिल अभी बड़ा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो। बस अभी तो मुझे मतलब मजा आने लगा था, मैं कथक डांस करने लगा था। आ जा जी मेरा पुत्र, आया का तो शॉपिंग मोड ऑन हो गया, शुक्र है आज चला गया। आयरा स्मिता, आप अपना ग्लास इधर ही भूल गई थी, ये ग्लास पड़ा हुआ आपका। मेरा तो नहीं है। हाँ पक्का जी। सर्दी बहुत रहता है ना आज, मेरी ऊँचू पे पानी आ गया। अभी हम बेसिकली जा रहे हैं खाना खाने दोबारा बाहर, और हम ना अपना व्लॉग कमरे में लगा के जा रहे हैं। इधर आने का कोई और फायदा हो ना, थोड़ा व्यू जो टाइम है हमारा वॉचिंग टाइम है वही थोड़ा बढ़ जाए। चले जी आ जा। आयरा किधर जाना है जी, किधर इधर जाना है? यस पता है डॉक्टर साहब, देखा इसको पता है कि ये इधर एलिवेटर है और बटन दबाना है और कौन सा ऊपर। इवन यही वाला एलिवेटर जहाँ ये खड़ी है ऑलरेडी 9th फ्लोर पे है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये होटल की एंट्रेंस है, और अगर आपने कहीं जाना है स्पेशली स्ट्रॉलर के साथ तो आपको पूरा चक्कर यहाँ से लगा के उस साइड पे जाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है ना। तो हमने बस ये जो सीढ़ी है ना, फिर हम ये करते हैं कि स्ट्रॉलर उठा के ऊपर ले आते हैं और यहाँ से नज़दीक हो जाता है जहाँ भी अगर आपने जाना है, सामने सेंटर या किसी रेस्टोरेंट। और वह चांद देखें ज़रा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चावली हेलो तस्मीन, आप बताना पसंद करेंगे कि हम किस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं? कल वाले पे ही फिलहाल जा रहे हैं। तो गाइस बेसिकली बात ये है कि यहाँ हलाल के ऑप्शन ज़रा कम है, और आज वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, यहाँ संडे को बंद होते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट। हाँ, तो जो खुले हैं उनमें कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं था हलाल का। तो ये जो कुंगंस वाले हैं इनके पास, इन्होंने हमें कहा कि उनके पास हलाल हैं कुछ ऑप्शंस चिकन वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर वो भी मिल जाए ना फिश वगैरह भी। हाँ नहीं, फिश का भी प्लान था लेकिन वो कोई अच्छे रेस्टोरेंट उस तरह के खुले नहीं हैं जो फिश भी दे रहे हों आज, कल खुलेंगे फिर मंडे को। तो चाइनीज़ इधर इस वक्त खुले हैं दो तीन, लेकिन चाइनीज़ पे वो फिश वगैरह का उस तरह का सीन नहीं है। सुशी का खुला हुआ है, सुशी खानी है तो। वैसे तो इधर भी अच्छा बना हुआ था हमारे होटल में भी। हमारे होटल वाला जो रेस्टोरेंट है ना वो एक्चुअली 11वें फ्लोर पे है जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, लेकिन वो भी आज बंद है। और वहाँ फिश मिल रही थी ज़बरदस्त किस्म की सालमन, और जो खाना हमारे प्राइस में शामिल था तो उसमें आज जो वो दे रहे हैं वो थाई चिकन का कुछ बना के दे रहे हैं, और साथ में चावल और ये चीज़। उसमें एक डिश होती है, एक सूप होता है और बाकी सलाद और इस तरह की चीज़ें। मज़े का लग रहा था लेकिन फिर वही हलाल का मसला था, तो इस वजह से फिर हम कह रहे हैं कि बाहर जाके अपने वही खुंगंस वाले से खाते हैं जाके। तो अभी हमें थोड़ा रास्ते का पता है, तो अभी हम 2 मिनट में रेस्टोरेंट पर पहुँच गए। कल हम पता नहीं कहाँ से इधर से चक्कर लगा लगू के तो 10-15 मिनट में पहुँचे थे शायद। तो जी आज हमने रेस्टोरेंट पर आके ऑर्डर ही फिश का किया, दोनों आज हम फिश खाएँगे हैं। नहीं मैंने भी सोचा वो और फिश है, वो सैलमन नहीं है तो पता नहीं उसका जायका क्या होगा, चेक करते हैं। और जो पीछे बंदे बैठे हैं ना वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, कब से इरिटेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आवाज़ कितनी ऊंची होती है वॉइस कॉल की, वीडियो कॉल की सॉरी। तो आज हम आगाज़ कर रहे हैं स्टार्टर्स। आयरा का खाना हमने पहले मंगवा लिया था क्योंकि आयरा को बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है, थक बंदी यानी कि कह रही है थैंक्स बंदी। बाकी सब छोड़े ज़रा भाई की ना फिश चेक करें, हाय 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 इसको तो देख के। नहीं आपकी तो सालमन है ना वो मशहूर है ज़माना, पर ये वाले कुछ स्पेशल ही लग रही है। और आपके भाई ने आपको ऐसे छोड़ा नहीं है, मैंने गूगल करके इसका नाम ढूंढा आपके लिए कि मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जी इसको कहते हैं आर्कटिक चार मेरे ख्याल में। अभी अभी हम खाना खा के निकले हैं और ठंडक सही लग रही है दबा के, और खाना आज ना मतलब हमसे सही तरह से फिनिश नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना था और बहुत ज़्यादा हम रज गए थे। हाँ लेकिन एक अच्छी बात हमारी देखें कि जैसे ही हम रेस्टोरेंट में गए तो वो जो हमारी कल वाली वेटर्स थी, जो लड़की कल हमें जिसने सर्व किया, वो कहती है सो हैप्पी टू सी यू अगेन, मतलब इंग्लिश में, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो आपके भाई की इंग्लिश आपको पता बड़ी टॉप क्लास है, तो इंग्लिश
इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश तो मैंने ऐसी मारी हाय हाय क्या जबरदस्त। तो यहाँ हमें देसी चाय तो मिल नहीं सकती थी, तो हमने ये सेपरेट चाय बनाई है। जरा मैंने अपने कुमारे हाथों से बनाई इसमें। मजे की नहीं यार, मैंने सोचा बेबी खुश हो जाएगी चाय मिली है, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इसके साथ हम अपने होटल रूम में पहुंचे हुए हैं अब, और अभी आयरा को सुलाने की कोशिश की जाएगी, और हम मतलब मैं ढूंढता हूँ कोई नेटफ्लिक्स पे अच्छी सी फिल्म, हम बैठ के मैं और समझ फिल्म देखते हैं। आ जाना, कल भी हमने वैसे देखी थी, तो आज भी फिल्म देखते हैं आयरा को सुला के, क्योंकि अभी तो वैसे आठ ही हुए हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ, आठ साढ़े आठ हुए हैं। तो आपसे सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नाश्ते की टेबल पे, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हम बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, दूसरों को भी जीने दें। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। द ऑफिस।